दोस्तों Redmi की तरफ से बहुत ही बढ़िया एक स्मार्टफोन निकल के आया है जो कि है Redmi 10 Prime। अभी लॉन्च हुआ है, बहुत ही बढ़िया लोअर मिडिल स्मार्टफोन है दोस्तों। अगर आपका बजट 12,000 से 13,000 रुपए है तो आपके लिए स्मार्टफोन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो इन डिटेल बात करेंगे इसी स्मार्टफोन के बारे में, जानेंगे उसके अंदर क्या क्या है और इसका एग्जैक्ट प्राइस क्या है। तो एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिए ऑल कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। So hello friends, my name is Samyak, you are watching TechFin, let's get started. इसके स्पेक्स के बारे में बात करने से पहले, इसका जो डिजाइन है बहुत ही बढ़िया दिया गया है दोस्तों। इतने कम प्राइस रेंज में इतना अच्छा डिजाइन देखने को नहीं मिलता है। ऐसा देखने में लगेगा नहीं कि एक 11,000-12,000 रुपए का स्मार्टफोन है, ऐसा लगेगा कि इसका कीमत तो 18,000 या 20,000 रुपए होगा ही, लेकिन बहुत ही अमेजिंग डिजाइन दिया गया है। साथ ही साथ अभी इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 6.5 इंच के डिस्प्ले मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको फुल HD रिजोल्यूशन मिल रहा है। हाँ दोस्तों, जबकि इसी 10,000-12,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट के अंदर जो स्मार्टफोन आता है वहां पे आपको HD प्लस रिजोल्यूशन मिलता है, लेकिन यहां पे फुल HD है। सिर्फ इतना ही नहीं, 90Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट भी मिल रहा है, हाँ दोस्तों, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और साथ ही साथ यहां पे आपको 180Hz का टच सैंपलिंग देखने को मिलता है। और दोस्तों अभी प्रोसेसर के बारे में बात करें तो यहां पे जो आपको प्रोसेसर मिलेगा वो होगा MediaTek Helio G88 प्रोसेसर, जो कि G85 से थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस देता है, जो कि अच्छा है दोस्तों। ये एक 5G प्रोसेसर नहीं है, 4G प्रोसेसर है, अच्छा परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। गेमिंग वगैरह भी मीडियम सेटिंग में आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। साथ ही साथ MIUI 12.5 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि रन करता है Android 11 के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। और कैमरा आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे डिजाइन में देखने को मिलेगा। रियर में आपको यहाँ पे मिल रहा है एक क्वाड कैमरा का सेटअप, जिसमें से प्राइमरी कैमरा होगा 50 मेगापिक्सल का। सेंसर कौन सा है इतना मेंशन नहीं किया है रेडमी में, लेकिन अच्छा है दोस्तों, 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है प्राइमरी वाला। सेकेंडरी है एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। साथ ही साथ फ्रंट कैमरा जो है उसमें आपको सिर्फ 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। ये थोड़ा अच्छा होना चाहिए था दोस्तों, रियर कैमरा अच्छा है लेकिन फ्रंट कैमरा मिनिमम एक 16 मेगापिक्सल होता तो थोड़ा और बेहतर होता। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपको 6000mAh का बड़ा सा बैटरी देखने को मिलेगा। इतना बड़ा बैटरी लगा होने के बावजूद इसका जो वेट है बहुत ही कम है, अंडर 200 ग्राम इसका वेट है, तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। 6000mAh की बैटरी पूरा दिन भर जाएगा, अगले दिन भी थोड़ा बहुत यूज हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा, फोन तो सपोर्ट करता है 18 वाट को, लेकिन चार्जर दिया गया है 22 वाट का, क्या यूज है उसका पता नहीं। फोन अगर उतना ही सपोर्ट करता है तो ज्यादा वाट का चार्जर देने का क्या फायदा, पता नहीं दोस्तों। लेकिन 18 वाट का चार्ज आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि फास्ट चार्जिंग तो इतना नहीं है, नॉर्मल चार्जिंग से थोड़ा बेहतर है। और दोस्तों साथ ही साथ रैम के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको वर्चुअल RAM देखने को मिल जाता है, जो उसका दो वेरिएंट है, 4GB वाला वेरिएंट और 6GB RAM वाला वेरिएंट। 4GB वाला वेरिएंट है वहां पे आप 1GB एक्सटेंड कर सकते हैं अपने RAM को, और जो 6GB वाला RAM है वहां पे आप 2GB एक्सटेंड कर सकते हैं अपने RAM को इंटरनल स्टोरेज से। और दोस्तों यहां पे LPDDR4X का RAM टाइप देखने को मिलता है, स्टोरेज टाइप eMMC है। और एंड में आता है इसका प्राइस और वेरिएंट, दो वेरिएंट आता है, 4GB RAM विद 64GB इंटरनल मेमोरी और 6GB RAM विद 128GB इंटरनल मेमोरी। जो पहला वाला वेरिएंट है 4GB 64GB, उसका कीमत है 12,499 रुपीज, और दोस्तों जो 6GB और 128GB वाला वेरिएंट है उसका कीमत है 14,499 रुपीज। तो 12,500 में आपको इससे बेहतर नहीं मिलेगा, बहुत कुछ अच्छा दिया गया है दोस्तों। इतने कम प्राइस में आपको मिलता है 90Hz रिफ्रेश रेट, फुल HD प्लस डिस्प्ले, और दोस्तों साथ ही साथ 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है, 6000mAh की बड़ा सा बैटरी मिल जाता है। सब कुछ ओवरऑल देखे तो दोस्तों ये कंप्लीट पैकेज है। कुछ कुछ चीज इतना अच्छा नहीं है, जैसे कि eMMC टाइप स्टोरेज दिया गया है, फ्रंट कैमरा थोड़ा अच्छा होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये सब नेग्लेक्ट कर देता है जो सब अच्छा चीज यहाँ पे दिया गया है। तो मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूंगा Redmi 10 Prime के लिए, जिसका सेल स्टार्ट होने वाला है 7 सितंबर को, तो जल्दी से जाइए खरीदिए अगर आपको पसंद आए तो। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में, इतना ही था Redmi 10 Prime के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन रीजन जरूर लिखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ऑल कीजिए मेरे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मिलते हैं TechFin के और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।